नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कर्मचारी, मांगों को नजरअंदाज करने पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से जुड़ी आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं ने काफी संख्या में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की जिला अध्यक्ष सुलेलता पवार के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं ने सड़कों पर उतर अपनी मांगों को मंगवाने के लिए जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुलेलता पवार ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर लगभग 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी सरकार द्वारा हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हमें काफी संख्या में एकत्र होकर जेल भरो आंदोलन के लिए अपनी गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन भी किया, फिर भी हमारी मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं ने जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर भी जमकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ललित कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। मेरी मांग 18,000 रुपए है। जब तक 18,000 की मांग हमारी पूरी नहीं होती, हमने कसम खाई है कि हम अपना धरना वापस नहीं लेंगे। आज 57वां दिन है। हाँ, जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री को मैं खुद अपने हाथ से ज्ञापन दे आई थी जब सहारनपुर के अंदर आए थे योगी जी, और वे भी आश्वासन दे गए थे, हंसने लगे कि हाँ देखेंगे। लेकिन देखने के बजाय ये देखो कि आंगनवाड़ी शीत में, इतने शीत में सड़कों पर पड़ी हैं। एक आंगनवाड़ी हमारे बीच से एक्सपायर भी हो गई है 13 तारीख को, फिर भी योगी जी की आंख नहीं खुल रही है। उनको ये तरस नहीं आ रहा है कि ये हमारी बहन है, बेटियाँ हैं, हम इनको परेशान करके हमारी सत्ता कैसे चलेगी। हम जब सत्ता बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, BLO में काम करते हैं, टीकाकरण में करते हैं, जनगणना में करते हैं, मकान गणना में करते हैं, पोषाहार देते हैं बच्चों को, वजन कुपोषित बच्चों की छंटनी करते हैं, लाल ग्रेड में निकालने वाले बच्चों को हॉस्पिटल भेजते हैं, इतने काम की जिम्मेदारी है। हमारे कार्यालय में जाकर देखो, 2 महीने से पोषाहार में बदबू आने लगी, और उसको भी कह रहे हैं अधिकारी की इसको भी बटवाया जाए। अभी हम जेल भरो आंदोलन है हमारा, जब तक DM साहब नहीं आएंगे हमारी आंगनवाड़ी यहाँ से ये पार्क खाली नहीं करेंगे।